तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके घर पहुंच जाते हैं, उनको एहसान जताते हैं कि हमने आपको ये फायदा दिया, इसके बदले में हमें वोट दो। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सोचते तब तो यहाँ भी सरकार इनकी रिपीट हो रही थी। ये सत्ता का दुरुपयोग है। जितना पैसा इन्होंने विज्ञापनों पर लगाया और रैलियों पर लगाया, इतना अगर आम जनता के सीधी जेब में डालते, उनको सीधा बेनिफिट देते, तो उसका ज़्यादा लाभ जनता को मिलता। क्या उनका धर्म सिर्फ प्रचार करना है, लोगों को ठगना है? क्या उनका धर्म जो है वो गवर्नेंस देना नहीं है? इसमें तो गले से पकड़ रहे हैं भाई, गरीब आदमी तेने तेरे को मकान मिला है पैसे, तो चलो यहाँ पे बीजेपी का झंडा हाथ में पकड़ के मोदी जिंदाबाद के नारे मिला। हाय एंड वेलकम टू द न्यूज रिडार। वी आर ज्वाइंड विद न्यूली इंडक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्मानी, हु हेल्स फ्रॉम बिलासपुर एरिया। सर, सुखिंदर सिंह सुक्खू गवर्नमेंट में पहले ये था कि सबसे जो एक शालीन छवि वाले एक जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो रोहित ठाकुर को बोला जाता है, लेकिन अब आप आ गए हो तो अब लगता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि आपको लोग उस नज़र से देखते हैं सर। पर सर, चैलेंजेस क्या हैं सर, आपको क्या लगता है? चैलेंजेस सबसे बड़े चैलेंजेस हिमाचल प्रदेश में आर्थिक मोर्चे पे हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, और जो हमारा युवा है उसमें उसको एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तो सब चाहते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबिलिटी है नहीं है, वो उसका असेस करना ज़रूरी है। और जो मार्केट और अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके बीच में जो स्किल गैप है, स्किल्ड मैन पावर जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट है और जैसे अवेलेबल है जी, उसमें बहुत गैप है, उसको फिल करना बड़ा ज़रूरी है। तभी हम अपने युवा को अगर हम प्रोडक्टिव बनाते हैं, स्किल्ड बनाकर, तो निश्चित तौर पे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रदेश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और हम उस युवा का ना सिर्फ उसको फ़ायदा मिलता है बल्कि पूरे समाज को फायदा मिलता है। तो आर्थिक स्थिति तब होगी जब गवर्नमेंट टिकती है, पार्टी पेनिट्रेट करती है जगह जगह। अब आपका एरिया ऐसा है कि वहाँ पे दो बड़े दिग्गज नेता हैं, जेपी नड्डा है, अनुराग ठाकुर है, और बीजेपी आप ही की गवर्नमेंट में घर घर में पेनिट्रेट कर गई है, कांग्रेस का रूल है, और कांग्रेस अभी तक जो है वो एक्सेस कर नहीं पाई सर अपना, वो एक चैलेंज भी नहीं है सर इतना बड़ा पार्टी के आगे? ऐसा देखो, दो चीज़ें हैं, गवर्नेंस एक इशू है और राजनीतिक तौर पे लोगों को ठगना एक अलग चीज़ है। गवर्नेंस है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम थी, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, जो सरकार का पैसा है वो बेनिफिशरी तक सीधे पहुँच सके, उसके लिए DBT शुरुआत करी उसकी, और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे एक्ट बनाए, बहुत सारे नई पॉलिसीज़, नए प्रोग्राम शुरू किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता में होते हुए भी सत्ता में नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है। इससे पहले भी लाभार्थी होते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा ट्रेंड शुरू किया कि अगर कोई गरीब से गरीब आदमी जिसको अगर शौचालय बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, या किसी की चिकित्सा सहायता के लिए कुछ पैसा मिलता है, तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके घर पहुंच जाते हैं, उनको एहसान जताते हैं कि हमने आपको ये फायदा दिया, इसके बदले में हमें वोट दो। क्या इससे पहले सरकारें जो थी वो जनता के लिए काम नहीं करती थी? क्या अब जो गैर बीजेपी की सरकारें हैं वो जनता के लिए काम नहीं करती हैं? तो ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, और उस जो काम मतलब सरकारें करती हैं उसका एहसान जताते हैं और उन लोगों को जलील किया जाता है। पर ये तो उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, और हम एज ए जर्नलिस्ट देखते हैं कि 22 जनवरी के बाद तो माहौल ऐसा हो जाएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कि आप जिस मर्जी को खड़ा कर दो वो इलेक्शंस जीतेगा ही। तो कांग्रेस पार्टी ने आपको बिलासपुर से लाने में इतनी देरी की, वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं है सर कहीं ना कहीं? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो ये बोलेंगे देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए तो ठीक है। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर्स का जो मोराल है ग्राउंड पे, आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है और ऐसे सोर्सेज कहते हैं कि आपको अच्छे प्रोफाइल्स मिलेंगे, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर पूरे पैन अक्रॉस हिमाचल है उसका आप मोराल बूस्ट करने के लिए क्या स्टेप लेंगे? डेफिनेटली करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में जो है निश्चित तौर पर हम काम करेंगे, और न सिर्फ कार्यकर्ताओं तक बल्कि आम जनता तक जो है वो सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं आज तक और वर्तमान सरकार की, उनको भी जनता तक पहुंचाएंगे। रामनगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आने वाले हैं सर, वो एक अश्योर्ड सीट मानी जा रही है बीजेपी की,
उसको लेकर भी आप पे काफी भार आएगा सर, चैलेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सोचते तब तो यहाँ भी सरकार इनकी रिपीट हो रही थी, है ना। इतना पैसा उनका पहली बार ऐसा हुआ होगा, 100 से ज़्यादा रैलियाँ बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में चुनावों के दौरान की गई, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। सिंबॉलिक एक रैली एड्रेस करते थे, हमारे पार्टी के भी नेता आते थे, प्रधानमंत्री आते थे, एक या रैली दो रैली से ज़्यादा नहीं करते थे, एक मैसेज देने के लिए। लेकिन यहाँ तो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो है वो इनके केंद्रीय नेताओं ने मीटिंगें करी और सरकारी पैसे भी करी, है ना। आपने देखा होना कि चुनाव से ऐन वक्त पहले भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता समारोह किए, सरकारी पैसे से किए, प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री की और कई केंद्रीय मंत्रियों की रैलियाँ करी, सरकारी पैसे से की। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है। जितना पैसा इन्होंने विज्ञापनों पे लगाया और रैलियों पे लगाया, इतना अगर आम जनता के सीधी जेब में डालते, उनको सीधा बेनिफिट देते, तो उसका ज़्यादा लाभ जनता को मिलता। अभी भी सर कांग्रेस रूल है और आई थिंक अनिरुद्ध जी का डिपार्टमेंट है जिसमें वो जो घर घर में उन्होंने वो एक वो वैन TFT स्क्रीन वाली जो है वो पंचायत टू पंचायत पहुंचा दी सर, तो उसमें पार्टी को सर अंदेशा नहीं हुआ कि बीजेपी का प्रचार हो रहा है। यही बात है ना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका धर्म क्या है? क्या उनका धर्म सिर्फ प्रचार करना है, लोगों को ठगना है? क्या उनका धर्म जो है वो गवर्नेंस देना नहीं है? क्या ना कि जो भी सुधार होगा गवर्नेंस से होगा। यात्रा निकालने से कभी भारत विकसित हो सकता है या कोई प्रदेश या समाज विकसित हो सकता है, है ना। अवेयरनेस तो लाई जाती है, या तो आप वहाँ कोई कार्यक्रम करो, उस कार्यक्रम के तहत कोई युवाओं को एजेंडा दो, जो वर्किंग हमारी मैन फोर्स है उसको आप एजेंडा दो, उसको किसी बड़े टारगेट के साथ जोड़ो, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें तो ऐसा हुआ नहीं, इसमें तो गले से पकड़ रहे हैं भाई, गरीब आदमी तेने तेरे को मकान मिला है पैसे, तो चलो यहाँ पे बीजेपी का झंडा हाथ में पकड़ के मोदी जिंदाबाद के नारे लगा, उससे थोड़ी भारत विकसित होगा, है ना। भारत विकसित होगा जब अच्छी गवर्नेंस आएगी, अच्छी नीतियाँ होंगी, अच्छे कार्यक्रम होंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा जो युवा आइडल बैठा है उसको काम मिलेगा, वो काम करेगा, है ना। किसानों को अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा, उनकी एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, तब वो बढ़ेगा। पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी ना, है ना। प्रति व्यक्ति उत्पादकता हमारी बढ़े नहीं, हम सिर्फ उनको नारे लगाने में और चुनावों के वक्त जो है वो ठगने में लगे रहेंगे, तो उससे नहीं देश हमारा विकसित होगा। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।